ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਪਤਨੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇ ਹੈ 45 ਸਾਲ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੇ ਹੋਏਗੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਔਰ ਘੁਸਪੈਠੀਓਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਬਦੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ऐसा महसूस करती थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है नहीं और इसके बावजूद फिर देश के ऐसे प्रधानमंत्री को जिसका पूरी दुनिया में लोहा था जिसकी लोग बात करते थे कि एक सरदार देश का प्रधानमंत्री बना है और उसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह और मेरे को याद है कि ओबामा जैसे लोग उनसे सीख लिया करते थे कि जब मंदी का दौर था कि दुनिया में पूरी दुनिया में मंदी है विकसित देशों में मंदी है लेकिन आपने हिंदुस्तान को इस मंदी से कैसे बचा के रखा है उसके बारे में टिप्पणी करना जिनका जीवन मैं समझता हूँ बिल्कुल लोगों के सामने था जिनका जीवन मैं समझता हूँ कि उनका बस नहीं चलता पहले भी वो रेनकोट की बात उन्होंने की एक प्रधानमंत्री का दूसरे प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता मेरे को तो चलो ये तो यही कहा है ये नहीं कह दिया कि वो तो है ही पाकिस्तानी थे क्योंकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था तो कोई हो सकता है कि कल को ये भी बयान आ जाए कि देश का जो प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया वो तो पाकिस्तानी था क्योंकि खालिस्तानी तो सरदारों को कहने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग तो मैं समझता हूँ कि चुनाव का मौसम है देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले 10-12 दिन में जो देश का माहौल बदला है लोगों को लगने लगा है उनको भी डर लग रहा है कि इंडिया शाइनिंग की तरह जो वाजपेयी जी के समय हुआ था ऐसा होने वाला है अंदर ही अंदर लोगों के अंदर बहुत सी नफरत है लोग कारोबारी व्यापारी डर रहे हैं हर वर्ग दुखी है नौजवान दुखी है किसान दुखी है और ये उनका बोलना संभाविक है जी महेंद्र केपी आज अकाली दल में शामिल हो गए हैं मैं वही महेंद्र केपी जी को बधाई देना चाहता हूँ और आस करता हूँ कि वो अपनी अगली पारी 70 के 67 के हो गए हैं अकाली दल में खेलेंगे उनका अगला जो कैरियर होगा कुछ सुरक्षित होगा कांग्रेस पार्टी तो सुरक्षित नहीं रख सकी उनको लगता है कांग्रेस पार्टी सुरक्षित नहीं रख सकती उनको मंत्री भी बनाया प्रधान भी बनाया कई बार एमएलए भी बनाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया तो आज ये मौसम है मैंने कल भी कहा था किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर मन में खलबली पैदा होती है तो कांग्रेस की क्यों निंदा करते हो कहो कि अब हमारा मन थोड़ा भर गया है हम कहीं और मौका लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी नंदेड़ गए थे वहां भाषण दे रहे थे तो कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब भी सिखों से बदला ले रही है सीएए का विरोध कर रही है कांग्रेस सिख भाइयों के लिए वो नहीं चाहती पहला देश का प्रधानमंत्री सिख किसने बनाया कांग्रेस पार्टी ने बनाया चाहे वो राष्ट्रपति बनाया आप तो मनमोहन सिंह की निंदा कर रहे हो कांग्रेस की निंदा नहीं कर रहे आप एक सरदार की निंदा कर रहे हो क्यों क्योंकि आपको पता है कि आज भी किसी से अगर सर्वे करा लिया जाए और पूछ लिया जाए कि मोदी जी अच्छे थे और देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अच्छे थे तो लोग कहेंगे
कि देश का मनमोहन सिंह जी अच्छे प्रधानमंत्री थे, तो मेरे कहने का मतलब ये सिख की बात करना ये शोभा नहीं देता। सिख सिख सरदार पगड़ी वाला आज सड़कों पर बैठा है, एक साल से आपसे हाथ जोड़ के अपने बच्चों को लेकर बैठा है, देश का अन्नदाता। आपने 700-800 लोग शहीद करा दिए, अंबाला आप घुसने नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो सिखों की बात, हमने 84 तो नहीं पता क्या था, कत्लेआम तो हमने देखा नहीं, तब हम बहुत बच्चे थे, छोटे थे, जो भी हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन हमने आज का कत्लेआम जरूर देखा। जिस प्रकार से आज 21वीं सदी में जो लोगों के हालात बने हुए हैं, जो हो रहा है। सिंह साहब, एक कल मीटिंग हुई है आपकी, दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी, का क्या संभावना, कब आ जाएगी और कितनी महिलाओं को शामिल? जल्दी आ जाएगी। हम हर जाति को, हम हर मैं समझता हूँ कि जेंडर को उसमें महत्ता देंगे, और जितना महिलाओं का हिस्सा बनता है वो हम उसका जरूर ध्यान रखेंगे। महिलाओं को जगह नहीं दी गई है बड़ी सर, आपने कहा कि महिलाओं को दी देंगे, लेकिन बाकी पार्टी में भी इतना नहीं लगता है कि कांग्रेस को जगह मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि बनता हिस्सा महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं के बिना घर तो अधूरा है ही है, ये देश भी अधूरा है। अगर महिलाएं ना होती तो ये देश ना होता। तो हमने केवल नारा नहीं दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कहा था 33% रिजर्वेशन की बात की थी, हम वो करते भी हैं, और जब लिस्ट आएगी आपको ये पता चलेगा कि महिलाओं को भी महत्ता हमने दी। राजकुमार चब्बेवाल ने सर राजकुमार चब्बेवाल ने कहा कि कांग्रेस में न तो डिसिप्लिन ना है, और ना पे वहाँ पे किसी को इज्जत दी जाती है, और लीडरशिप में तो कुछ है ही नहीं है, जिसकी वजह से सब लोग छोटे छोटे कांग्रेस को जा रहे हैं। 16 साल से मैं, चब्बेवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कल कहा था इंटरव्यू में भी, एक पंजाबी में कहावत है, मेरा चित बेईमान हो गया, यानी कि मन बेईमान हो गया। उनको चब्बेवाल जी आपका मन बेईमान हो गया, कहा कांग्रेस की निंदा क्यों कर रहे हो, जिस पार्टी ने आपको 3 बार MLA बनाया, जिस तब भी इनडिसिप्लिन तो था, तब आप क्यों बने MLA, आपको डिप्टी CLP बनाया, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाया, अब कैसी बात होगी। ये इनडिसिप्लिन तो उससे पहले था, इनडिसिप्लिन था 2022 में, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़े। अब 2000 चुनाव में कहना था कि आपकी पार्टी में इनडिसिप्लिन है, मैं कहीं और जा रहा हूं। आप ये सीधा करो कि मेरा मेन मन है जो बेईमान हो गया है, तो इसलिए मैं पार्टी छोड़। उस दिन आपने एक ट्वीट किया था कंगना रावत के खिलाफ कि पंजाब के लोग किसान उनका विरोध करें वहां पे जाके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को आपने अपील की है? देखो, महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी, और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना, और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अन्नदाता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सब मिलना चाहिए। इतना यार हूँ गल लोगों ने, मीडिया ने, आम लोगों ने चलाई रखी,